एक ओर बंदूकें गरज रही हैं, टैंक हमास के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। हमास सीज फायर चिल्ला रहा है और ऐसे नाजुक वक्त में नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट में खेला हो गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेनामिन नेतन्याहू बड़ी मुश्किल में घिर चुके हैं, क्योंकि नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट में नेतन्याहू के ही भरोसेमंद और उनके दाहिने हाथ माने जाने वाले बेनी गैड्स ने बम फोड़ दिया है। ये बम है इस्तीफे का। बेनी गैंड्स ने वॉर कैबिनेट से अपना इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त इजराइल की गली कूचे मोहल्ले में गैंड्स के इस्तीफे की खबर पर ही लोग बात कर रहे हैं। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गैंड्स पीएम नेतन्याहू से बेहद खफा है। गैंड्स का ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग को 8 महीने हो चुके हैं और जंग की वजह से पश्चिम एशिया में हालात नाजुक बने हुए हैं। बेनी के इस्तीफे की पूरी कहानी हम आपको ब्यौरेवार तरीके से बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले देखिए वो आरोप जो इस्तीफे के बाद बेनी गैंड्स ने नेतन्याहू सरकार पर लगाया। हमास से होस्टेज डील नहीं कर पा रहे नेतन्याहू, 8 महीने बाद भी हमास का खात्मा नहीं हुआ, वॉर कैबिनेट को भंग कर तुरंत चुनाव। बेनी गैंट्स ने अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए कहा कि नेतन्याहू की वजह से हम हमास का खात्मा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इमरजेंसी गवर्नमेंट को भारी मन से लेकिन आत्मविश्वास के साथ छोड़ रहा हूं। बेनी गैंट्स ने नेतन्याहू पर नफरत को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। गैंट्स ने इजराइल के रक्षा मंत्री योर गैलेंट से भी अपील करते हुए कहा कि वो वही करें जो सही है। נתניהו מונע מאיתנו להתקדם לניצחון האמיתי שהוא ההצדקה למחיר הכואב והמתמשך. לכן, אנחנו עוזבים היום את ממשלת החירום. בלב כבד, אך בלב שלם. אנחנו מתייצבים היום. जैसे ही गैंड्स ने इस्तीफा दिया, नेतन्याहू गैंड्स के मान मनवल में लग गए। नेतन्याहू ने कहा कि ये वक्त लड़ाई से पीछे हटने का नहीं बल्कि इसमें शामिल होने का है, लेकिन बेनी गैंड्स अपना इस्तीफा वापस लेने को तैयार नहीं है। बेनी गैंड्स से यूं ही नेतन्याहू इस्तीफा वापस लेने के लिए नहीं कह रहे। पहले जान लीजिए कि क्यों बेनी गैंड्स नेतन्याहू के लिए अहम है। 1978 में दक्षिण लेबनान का संघर्ष, 1982 लेबनान युद्ध, दक्षिण लेबनान संघर्ष 1985 से 2000 तक, 2006 लेबनान युद्ध, ऑपरेशन समर रेन्स, ऑपरेशन कास्ट लीड, ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस, ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज। यही नहीं, बेनी गैंड्स इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ भी रह चुके हैं। उन्हें इजराइल के हर दुश्मन के बारे में पता है। वो ये भी जानते हैं कि इजराइल का दुश्मन किन बिलों में छिपा है। इसीलिए नेतन्याहू मुसीबत में फंस गए हैं। נמשיך יחד לעשות ככל שביכולתנו להשבת כל חטופינו ולהשגת הניצחון על אויבינו. विदेशी मीडिया के मुताबिक बेनी गैंड्स ने इजराइल के पीएम के सामने 6 शर्तें रखी थी जिसे नेतन्याहू पूरा नहीं कर सके, और नतीजा ये हुआ कि बेनी गैंड्स ने इस्तीफा दे दिया। बेनी गैंड्स की पहली शर्त, इजराइल के बंधकों को घर वापस लाना। बेनी गैंड्स की दूसरी शर्त, हमास की सत्ता को खत्म करना, गाजा पट्टी को असैन्य बनाना, गाजा को इजरायली सुरक्षा के कंट्रोल में लाना। बेनी गैंड्स की तीसरी शर्त, इजरायली कंट्रोल के साथ साथ अमेरिकी, यूरोपीय, अरब और फिलिस्तीन सहित गाजा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय नागरिक शासन सिस्टम बनाना। बेनी गैंड्स की चौथी शर्त, 1 सितंबर तक उत्तर में रहने वाले इजरायलियों को उनके घरों में वापस लाना। बेनी गैंड्स की पांचवी शर्त, ईरान और उसके सहयोगियों के खिलाफ मोर्चा बनाना और पश्चिम के साथ गठबंधन बनाने के लिए एक व्यापक कोशिश के रूप में सऊदी अरब के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाना। बेनी गैंड्स की छठी शर्त, सैन्य राष्ट्रीय सर्विस के लिए एक रूपरेखा तैयार करना जिसके जरिए सभी इजरायली देश की सेवा करें और राष्ट्र के लिए योगदान दें।
गाजा जंग की शुरुआत से ही प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू के नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सभी बंधकों को वापस ना ला पाने को लेकर हर शनिवार को यरूशलम और तेल अवीव की सड़कों पर हजारों लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियों के नेता तो पहले से नेतन्याहू की नीतियों पर सवाल उठा रहे थे, अब उनकी गठबंधन सरकार से बागी सुर दिखाई देने लगे हैं। हमास पर हमले के तुरंत बाद नेतन्याहू सरकार में आए थे गैंट्स। इसराइल में पूर्व सैन्य प्रमुख गैंट्स को नेतन्याहू के प्रमुख राजनीतिक विरोधी के रूप में देखा जाता है। वॉर कैबिनेट में शामिल होने से पहले वो विपक्ष के एक प्रमुख सदस्य थे। वो 7 अक्टूबर को हमास के हमले के तुरंत बाद नेतन्याहू की सरकार में शामिल हो गए थे। नेतन्याहू सरकार में उनकी मौजूदगी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसराइल की विश्वसनीयता को भी बढ़ाया। गैंट्स के अमेरिकी अधिकारियों के साथ भी अच्छे कामकाजी संबंध हैं। हालांकि गैंट्स के इस कदम से प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू को फिलहाल कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वो अभी भी इसराइली संसद निसेट में बहुमत वाले गठबंधन पर कंट्रोल रखते हैं। 120 सीटों वाली निसेट में गैंट्स के जाने के बाद भी 64 सीटों पर बहुमत नेतन्याहू के साथ ही रहेगा। दूसरी ओर इसराइल के एक परमवीर अर्नोन की हर ओर चर्चा हो रही है, जो खुद की जान की फिक्र ना करते हुए हमास की मांग में घुस गया और 4 बंधकों को छोड़ा लाया। हमास की कैद से 4 बंधकों को छुड़ाने के लिए चलाए गए इस ऑपरेशन का नाम सीड्स ऑफ समर रखा गया था, जिसको बाद में बदलकर ऑपरेशन अर्नोन कर दिया गया। दरअसल अर्नोन जमोरा IDF के कमांडर का नाम है। अर्नोन जमोरा ही सेंट्रल गाजा में इस जोखिम भरे ऑपरेशन की अगुवाई कर रहे थे। इसराइल के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर कहा, हर बचाव अभियान के पीछे इसराइली पुरुष और महिलाएं हैं जो अपनी जान जोखिम में डालते हैं। हमें ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि नेशनल पुलिस काउंटर टेररिज्म यूनिट के कमांडर और ऑपरेशन चीफ इंस्पेक्टर अर्नोन जमोरा ने बंधकों को बचाने के अभियान में गंभीर रूप से घायल होने के बाद दम तोड़ दिया। इसराइल के विदेश मंत्रालय ने अर्नोन को सच्चा हीरो बताया, जिसने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। 36 साल के अर्नोन इसराइली शहर ज़ेड डेविड गांव के रहने वाले थे। उनके परिवार में पत्नी मीकल, 2 बच्चे और माता पिता रूवेन और रूथी हैं। पिछले साल 7 अक्टूबर को जब हमास ने इसराइल पर हमला किया था तो अर्नोन वहीं पर थे और उन्होंने कई हमास के आतंकियों को अपने देश में घुसने से रोक दिया था। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक वो बाद में नाहल ओज बेस और बेरी की लड़ाई में भी शामिल थे। अर्नोन इसराइल के सच्चे हीरो हैं, जिन्हें इसराइल के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा।